अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स। इस लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस कौन सा सिस्टम होता है। देखते हैं जी डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अ सिस्टम और ग्रुप ऑफ टू और मोर देन टू लीनियर इक्वेशंस हैविंग द सेम वेरिएबल्स इज नोन एज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें जो देखने वाली बात है वो ये है कि दो या दो से ज्यादा लीनियर इक्वेशंस जिनका वेरिएबल सेम होगा वो सिस्टम जो होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। अब लीनियर इक्वेशन कौन सी इक्वेशन होती है? लीनियर इक्वेशन, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, कि ऐसी तमाम इक्वेशंस जिनमें जो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वन होती है उस इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। तो वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर वाली तमाम की तमाम इक्वेशंस, हम उनको फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस भी बोल सकते हैं और उनको लीनियर इक्वेशंस भी कहते हैं। एग्जांपल है जी, एक इक्वेशन है 3x plus 2y equals 5, सेकंड है जी 2x minus 4y equals 9, 7x plus 2y equals 3। अब इनको अगर मैं देखूं तो यहां पे तीन इक्वेशंस में वेरिएबल सेम है। इधर भी xy है, इधर भी xy है। इक्वेशंस में वेरिएबल सेम है, वेरिएबल की पावर चेक करते हैं, x की पावर यहां 1 है, y की पावर भी 1 है, x की पावर यहां पे भी 1 है, y की पावर यहां पे भी 1 है, x की पावर 1 है, यहां पे भी y की पावर 1 है। तो वो तमाम इक्वेशंस जिनमें वेरिएबल्स के सेम होने के साथ साथ उनकी पावर्स भी सेम हो और उनकी हाईएस्ट पावर जो हो 1 हो, तो उन तमाम इक्वेशंस को हम वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम उनको तो उन तमाम इक्वेशंस को हम एज ए ग्रुप सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। सॉल्यूशन क्या चीज होता है? सॉल्यूशन किसी भी इक्वेशन में मौजूद वेरिएबल्स की वो तमाम वैल्यूज होती हैं जो कि उस इक्वेशन में वो वैल्यूज पुट करने से हमें इक्वेशन की दोनों साइड जो हैं वो जस्टिफाई कर दे, दोनों साइड का आंसर सेम दे दे, उस वैल्यू को या उन तमाम वैल्यूज को हम सॉल्यूशंस बोलते हैं। डेफिनेशन देखते हैं जी। अ सॉल्यूशन इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड सॉल्यूशन। यही डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम एक एग्जांपल को देखते हैं। एग्जांपल है जी 3x plus 2। अब यहां पे x की वैल्यू पुट करते हैं और फिर देखते हैं कि x की जो हम वैल्यूज पुट कर रहे हैं क्या वो वैल्यूज पुट करने के साथ हमारा जो आंसर है इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं। अगर तो कर रहा होगा तो वो हमारा सोल्यूशन होगा, अगर नहीं कर रहा होगा तो वो हमारा सोल्यूशन नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल, मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो देखता हूं आंसर क्या आता है। x की वैल्यू 1 पुट करने का मतलब है जहां पे वेरिएबल है उसकी जगह पे मैं 1 पुट कर रहा हूं और बाकी सारी इक्वेशन को एज इट इज लिख रहा हूं। 3 वन जर 3 प्लस 2, 3 में 2 प्लस किए 5 आ गया आंसर, जो कि इक्वल नहीं है 8 के। इसका मतलब ये x की वैल्यू 1 पुट करने से यहां पे मेरे पास इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं वो सेम नहीं है, इक्वेशन में वेरिएबल की वैल्यू ने जस्टिफाई इक्वेशन को नहीं किया, सेटिस्फाई नहीं किया, दैट्स व्हाई ये जो x की वैल्यू है ये सॉल्यूशन नहीं है। अब आगे देखते हैं जी, x की वैल्यू अगर मैं 2 पुट करता हूं तो आंसर क्या आता है। इक्वेशन है मेरे पास 3x plus 2 equals 8, x की जगह पे मैंने पुट कर दिया 2 plus 2, 3 2s are 6, 6 में 2 plus किए तो हमारे पास आंसर आ गया 8, जो के इक्वल है राइट हैंड साइड के इस इक्वेशन की जो राइट हैंड साइड है। अब अगर मैं देखूं तो ये वैल्यू जो है ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है, इक्वेशन की जो दोनों साइड्स हैं उसको जस्टिफाई कर रही है, तो ये वैल्यू अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन सॉल्यूशन होगा इस गिवन इक्वेशन का। तो सॉल्यूशन इसका क्या है जी? सॉल्यूशन इज इक्वल टू 2। एक्स की जगह पे जब मैं 2 पुट करूंगा तो मेरा आंसर जो है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा जी। तो मेरी कॉम के नौजवानों, इस लेक्चर में हमने ये देखा है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है और सॉल्यूशंस क्या होते हैं। कोडेनिक्स को सब्सक्राइब करें और ऐसे और लेक्चर्स सुनने के लिए यूट्यूब पर और गूगल पर मैथमेटिक्स विद कोडेनिक्स सर्च करें। अल्लाह निगहबान।